बुरका एवं मास्क पहनकर। देखिए मार्केट में जाते हैं ना, मैंने जाते समय यहाँ पे 100 का वाहन एक देखने को मिला। शीशे वाले केमिकल वाले थे? केमिकल है ना। तो भैया भीड़ भाड़ कैसी है इस बार दिवाली में? अभी तो हल्की है। हल्की है अभी। और 250 रेंज है? और 250 रेंज में कौन से है? 250 वाले इधर वाले। रखा दिवाली का सामान अभी, और अभी मैं पहुंच गया हूँ दयाल फोटो स्टूडियो के वहाँ पे। इधर मेरे को मेन चीज पता क्या आया दगड़े हो, जो दिवाली का पटाखा है ना, दिवाली का सामान वो देखना है मुझे। पैसे कमाने के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं दगड़े हो। लगभग 90% लोग तो होते हैं वैसे, लेकिन कुछ लोग नहीं होते ना, वो फिर भी खाली एक ये जरिया बन चुका है पैसा कमाने का। बस अपने आप को अपाइस दिखा दो और पैसा कमा लो। हाँ होते हैं, बहुत लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी ना इसको ना लोगों ने धंधा भी बना दिया। जैसे द लवनिया यहाँ पे ना, एक यहाँ पे जो बड़ा सा शॉप है ना वो देखने को मिला द लवनिया, तो उसके वहाँ पता क्या लिखा है, ये देखिए, बुरका एवं मास्क पहनकर अंदर आना सख्त मना है। आ चुके यहाँ पे सामान, देखिए धीरे धीरे दिवाली का सामान बाहर आना शुरू हो चुके हैं, और लगातार पुलिस बल भी आगे अंदर घूम ही रही है किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो। तो अभी ना यहाँ पे पुलिस बल भी ना लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि रोड के साइड ना कोई भी दुकान लगाएं। ये ज़्यादातर लेडीज़ का सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध मिल रहा है मुझे यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। मार्केट में जाते हैं ना, मैंने जाते समय यहाँ पे 100 का वाहन एक देखने को मिला, जैसे कोई एक्सपायर हो गया होगा ना, तो उनके लिए ना उनको जलाने के लिए लेके जा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे ना दिवाली के हल्के हल्के सामान यहाँ बाहर निकलना शुरू हो चुकी है। इधर देखिए यह शुरू हो चुकी है दिवाली के सामान बाहर आना। इधर भी देखिए, तो धीरे धीरे अंदर जा रहा ना मार्केट की ओर, तो वैसे वैसे ना यहाँ पे जो दिवाली के सामान है वो मिलना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं यार कहीं पे मिल जाएगा, अंदर जाके पोस्टर हो तो यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे लगे भी हैं। इधर देखते हैं पोस्टर वोस्टर। ये पोस्टर क्या रेट है भैया? ये वाले और ये वाले किसके हैं भैया? वाले और ये वाले 150 के दगड़े। ये वाले जो दिख रहे ना आपको, शीशे वाले केमिकल वाले थे? केमिकल है ना। तो दगड़े पहुंच चुका हूँ मैं काशीपुर मार्केट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मार्केट है, और अभी मैं पहुंचा हूँ लॉन्ग टाइम बाद मैं फिर आप लोगों के लेके आ गया हूँ काशीपुर मार्केट का एक सुंदर सा ब्लॉग, वो भी दिवाली के टाइम का। तो अभी दिवाली का समय हो चुका है, और भैया जी कैसे? बढ़िया। तो अभी समय है करीबन दिवाली का, दिवाली से करीबन 7 या 8 दिन पहले मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, और दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चकाचौंध जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे जो मार्केट सज रखी है वो चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। देखिए आप लोग यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे दुकान जो सजनी शुरू हो चुकी है, और दिवाली का उपलक्ष्य है, दिवाली के उपलक्ष्य में कम से कम मार्केट तो सजनी चाहिए, एकदम चकाचौंध सजना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे उम्मीद रखी थी कि यहाँ मार्केट बिल्कुल मस्त तरीके से सजेगी, लेकिन उतनी नहीं सज रखी है, लेकिन फिर भी सज रखी है। तो दगड़े अंदर जाते ही ना यहाँ पे और भी यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े दुकान देखने में मिलते हैं आपको। इधर देखिए ये ज्वेलर्स की दुकान भी इधर, और मेरे को तो मेन चीज़ ना दगड़े जो दिखाना आप लोगों को दिखाना, यहाँ पे दिवाली का जो उपलक्ष्य में चकाचौंध एकम कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं, जितनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। इधर देखिए एक बार इन भैया से बात करते हैं किस किस रेट में यहाँ पे मिल रहा है, और कितनी यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ है नहीं है। भैया नमस्कार। तो भैया भीड़ भाड़ कैसी है इस बार दिवाली में? अभी तो हल्की है। हल्की है अभी? अच्छा दोनों आपके होंगे दुकान ना? अच्छा मतलब आ रहे हैं लोग भी? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा पिछली बार तो ज़्यादा होगी ना, पिछली बार अच्छी थी? पिछली बार सही थी ना? अभी तो काम सही होगा, अभी तो अभी कुछ नहीं है, ठंडे तो होगा। अच्छा आपकी क्या तैयारी चल रही है फिर दिवाली के लिए? तो सही है, हमारी तो बढ़िया है। अच्छा मतलब इसके अलावा और भी दुकान खोलने हैं? यही है, यही है फिलहाल। चलो सही है। कहाँ से भैया? यहीं से, काशीपुर। अच्छा लोकल यहीं की हो? चलो सही है सही है। और ये आपकी बेटी होगी ना? हाँ, भतीजी है। अच्छा भतीजी है, चलो सही है सही है।
तो किस किसी रेंज में है दादी? जैसे ना यहाँ पे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना यहाँ पे काशीपुर के भी है, तो वो वीडियो के माध्यम से आपके वहाँ आएंगे लेने के लिए, तो रेट हमारे पास 50 से 250। सबसे 50 वाला दिखा दीजिए, उसके बाद 250 वाला दिखा दीजिए। 50 की रेंज हमारा। अच्छा, ये वाला 50 रेंज में और 250 रेंज, और 250 वाला रेंज में कौन से है? 250 वाले इधर वाले, तो ये 200 की रेंज में आएगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उसके बाद बीच में है तो रह रहे, मतलब कोई 150 को 200 ऐसे हो रहे हैं, तो धन्यवाद दिया। और इधर भैया ये बता दीजिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। 50-20। अच्छा 50-20, हाँ ये 20 का है। और चरण पात हुआ कैसे? 10 रुपये पैकेट। अच्छा जैसे भैया किसी को ना एक साथ 50-60 लेने या 10-20 लेने एक साथ, तो उसमें डिस्काउंट मिलता है? हाँ डिस्काउंट मिलता है ना। और जैसे दिवाली के ये कैसे है भैया? 50 रुपये की। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है दिवाली के लिए? बढ़िया चल रही है। अच्छा चलो ठीक है भैया, अभी कुछ बिक्री हुई नहीं हुई? हाँ अब तो दिवाली आने वाली भी उसके बाद ही होगी, अभी स्टार्टिंग थोड़ा हल्का हल्का होगा ना अभी। ओके धन्यवाद भैया। तो तकरीबन अभी मैं ना यहाँ से निकलता हूँ आगे, और अभी भैया से भी बात की मैंने यहाँ पे, तो भैया ने बताया कि यहाँ पे अभी तो ना मंदी चल रही है दुकान में, क्योंकि ना अभी ना लोग कम ही आ रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसे जैसे ना यहाँ पे मार्केट बढ़ेगी ना, जैसे जैसे यहाँ पे दिवाली का टाइम नज़दीक आएगा, वैसे वैसे ना यहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इधर भी ना भैया ने सेम जैसे उस वाले भैया ने लगाया था ना वहाँ पे दुकान, वैसे यहाँ पे भैया ने लगा के। और भैया कैसे हो? बढ़िया। हाँ तो यहाँ भैया ने लगा रखे, इधर देखें कूलर ही कूलर, पंखे पंखे, तब मज़ा आता है ना मार्केट घूमने में। तो इधर देखिए सुंदर सुंदर से मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए। यहाँ किसान बीज भंडार देख सकते हैं आप लोग ना, सजावट हो चुकी है लगभग लगभग। थोक के माल में यहाँ पे सामान लेना तो आप यहाँ से उपलब्ध है, सब कुछ मिल सकता है यहाँ से थोक के माल में। और भैया कैसे हो? बढ़िया। जय श्री राम। तो दादी अभी ना यहाँ पे दे सकते हैं घूमते 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 घूमते, यहाँ अब तो यहाँ सजावट हो चुकी है, यहाँ पे तैयारी चल चुकी है यहाँ पे दुकान लगने की दिवाली के समय में। यहाँ देखिए भैया ने यहाँ दुकान में लगा रखी है। तो भैया कैसी चल रही दिवाली की तैयारी? बढ़िया चल रही है। अच्छा आ रही है कस्टमर? आ रहे अभी? अभी कमी आ रहे होंगे ना? अरे सन्नाटा है, नहीं चल रही अच्छी खासी? अच्छा बस सर सुसानी है ना, कोई बात नहीं दिवाली आने वाली तो हो जाएगा अच्छा खासा। ओके ओके, तो दगड़िया अभी ना यहाँ से अंदर के लिए जा रहा हूँ मैं, इधर भी देखता हूँ कहीं लड़ियाँ मिल जाए ना मुझे दिवाली के लिए, तो लाइटिंग वाली लड़ियाँ मिलेंगी तो मैं ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी सामान मिल रहा है ज़्यादातर यहाँ पे बता से हो गया ऐसे ना यहाँ पे उपलब्ध है इस साइड में। इधर तेल कनस्टर सारे तेल वाले चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध, देखिए आप लोग। और जो आंवले हमारे गांव में ऐसी फ्री में मिलते हैं ना, वही आंवले ना यहाँ पे बिकने के लिए आते हैं। तो भैया क्या रेट है इनकी आंवले की? 30 रुपये पाव। 30 के पाव आप बताइए। ये आंवले हमारे पहाड़ों में फ्री में मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे मिलता है। अब लगे लगे यहाँ पे शानदार से दुकानें, देखिए आप लोग इधर जाए तो पूजा का ही सामान मिलेगा आप लोगों को इस साइड देखिए। और इसी गली से मैं अंदर के लिए प्रवेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से यहाँ पे ना जो दिवाली की सजावट यहाँ पे देखने को मिली है, बहुत ही अच्छे अच्छे से यहाँ पे झाड़ लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे झाड़ लगे हुए देखिए आप लोग यहाँ पे। तो दिवाली का तैयारी यहाँ पे लगभग लगभग चली चुकी है, और मैं जा रहा हूँ अंदर के लिए प्रवेश करते हुए, और अंदर साइड हाँ जी इधर देखिए कैलेंडर और पोस्टर यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। लगभग ना जैसे मैं सोचा था ना दगड़ियों कि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे ना लोगों के लिए यहाँ पे दुकान लगे होंगे और दिवाली की तैयारी हुई होगी, लेकिन नहीं है। अभी नॉर्मल ना लोग वही बेच रहे हैं जैसे पुराने कपड़े अपड़े ऐसी चीज़ बेच रहे हैं, अभी उसकी तैयारी नहीं चल रही है। कैसे भैया? बढ़िया। मैं गली के अंदर से दगड़े ना भागते हुए इधर से जा रहा हूँ अंदर, तो वैसे कहीं ना कहीं तो सामान मिल जाएगा मुझे जो चीज़ मुझे चाहिए। तो अभी मुझे आगे ना चमचमाती हुई लड़ियाँ दिख रही है कि अब तक वहाँ पे मुझे ये चीज़ उपलब्ध हो जाए, और बल्ले बल्ले हो जाएगा जब यहाँ मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे चमकमा रही है, तो फटाफट यहाँ पूछता हूँ और यहाँ से लेता हूँ लड़ियाँ, यहाँ तो बहुत सारी है। चलो मालूम करते हैं यहाँ पे, इतनी सारी लड़ियाँ लगी हुई यहाँ पे। तो दगड़े फाइनली यहाँ से सामान लेके ना अब मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ, आगे ही यहाँ से मैंने सामान लिया अंकल जी के वहाँ से, यहाँ पे लड़ियाँ ली मैंने, और उसके बाद मैं आगे निकल रहा हूँ। तो लड़ियों की रेट तो हाई फाई है दगड़ियों, कोई कीमत ही नहीं है, मतलब आप सोच सकते इतना महंगा हो सकता है घर के पास यहाँ,
तो पहले तो पिछले साल में सामान लिया ना, उस समय सस्ता था, अभी के लिए बहुत महंगा हो चुका है यहाँ सामान। और शाम के समय लगातार ना अब थोड़ा बहुत मार्केट सजनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, तो मार्केट सज रही है।